इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में अब हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वो टॉपिक है जो आप अपनी एजुकेशनल लाइफ में कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। इसको आपने अपनी मिडिल क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा, उसके बाद मैट्रिक क्लासेस में भी, कॉलेज लेवल पे भी आपने इसे सीखने की कोशिश की होगी। लेकिन इसके बावजूद अक्सर लोगों से जब ये सवाल किया जाता है तो उनका जवाब नफी में होता है। आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे। ये है इंग्लिश टेंसेस। कुछ लोगों का तो ये कहना है टेंसेस गिव मी टेंशन, लेकिन अब जिस आसान अंदाज में मैं आपके सामने इन टेंसेस को पेश करूंगा, बेसिकली आपको बताऊंगा कि इन टेंसेस का लैंग्वेज में फंक्शन क्या है, किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, तो उसके बाद आपको इन टेंसेस को इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बहुत आसानी से इन टेंसेस को अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। प्रेजेंट सिंपल टेंस को पाकिस्तानी ग्रामर बुक्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। एनीवे लेट्स स्टार्ट। यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशन के लिए। फैक्ट्स क्या है? हकायक। अगर आप कहते हैं अ हैन लेज एन एग, यानी एक मुर्गी अंडा देती है, ये क्या है? एक हकीकत है, फैक्ट है। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन आमतौर पे जनरल हेडिंग्स के लिए, अगर कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें जो हेडलाइंस बनाई जाती हैं तो उसमें पास्ट की न्यूज को भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक दिन दो प्रेसिडेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या होगा? पाकिस्तान्स प्रेसिडेंट मीट्स चाइनीज प्रेसिडेंट। अब वो बेसिकली मीटिंग तो हुई गुज़िश्ता दिनों में, लेकिन जब वो न्यूज़पेपर में आएगा तो इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन, यानी फॉर न्यूज़पेपर या हेडिंग पर्पस के लिए आप इसे प्रेजेंट में ले आते हैं। उसके बाद जो अहम इस्तेमाल है वो है हैबिट्स एंड रूटीन्स। हैबिट क्या है? एक आपकी आदत। अगर कोई कहता है जी आई स्मोक सिगरेट्स, ये उसकी आदत है, हैबिट है, इसके लिए वो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेगा। रूटीन क्या है? रूटीन एक ऐसा काम है जो आप रिपीटेडली करते हैं, और रूटीन जो है वो आपकी डेली बेसिस पे होती है, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एट 7 o'clock, हर सुबह मैं 7 बजे उठता हूं। एवरी संडे आई प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स, हर इतवार को मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूं। एवरी मंथ आई गो फॉर आउटिंग, हर महीने मैं आउटिंग के लिए जाता हूं। एवरी ईयर आई गो टू नारायण वैली, हर साल मैं नारायण वैली जाता हूं। अब आपने देखा डेली रूटीन, वीकली रूटीन, मंथली रूटीन और उसके बाद ईयरली रूटीन। उसके बाद जी परमानेंट सिचुएशन। अब परमानेंट सिचुएशन क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जो हमेशा सेम रहती है। मिसाल के तौर पे द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये क्या है? ये परमानेंट सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन जो हमेशा सेम रहे। और उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेट वर्ब्स हैं। स्टेट वर्ब्स एक ऐसा वर्ब जो कैफियत को बयान करता है, जिसमें बी, याद रखिएगा बी की फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, उसके बाद है हैव, I have, we have, फिर है think, I think, you are right. स्टेट वर्ब नो, I know everything about you and many other verbs. So ये है present indefinite tense, इसका मैंने आपको यूज बताया। Present indefinite tense का एक इस्तेमाल हमारे पास ये है कि हम इस टेंस को कहानी सुनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस इस्तेमाल को हम कहते हैं dramatic use of present indefinite tense. अब dramatic use में क्या होता है? फर्स्ट करें कि आप किसी को कहानी सुनाते हैं और वो कहानी किसी ड्रामे की कहानी है या वो कहानी किसी नॉवल की कहानी है, इसे हम कहते हैं फिक्शन। तो जब फिक्शन कहानी आप किसी को सुनाएंगे आप उसे प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने है, अ मैन गोज टू विजिट अ फ्रेंड एंड इज अमेज्ड टू फाइंड हिम प्लेइंग चेस विद हिज डॉग, ही वॉचेस द गेम इन एस्टोनिशमेंट फॉर अ व्हाइल then the story continues. इसी तरह मैं कहता हूं the story is about a poor boy, he lives in a village, one day that boy wants to come to the city, he asks his mother can I go to the city, his mother says no you can't.
अब ये देखिए मैं आपको कहानी सुना रहा हूं लेकिन मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहा हूं, इसे हम कहते हैं ड्रामेटिक यूज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर की, जैसा कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन, तो उसमें वर्ब के साथ हमें एस या ई एस का एडिशन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस या ई एस का एडिशन करेंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, स्पीक स्पीक्स, गो गोस, हैव हैज, take takes, read reads, study studies। ये कुछ sentences हैं हमारे पास, आइए इनको देखते हैं। Does she like going to the mountain? Yes, she does. Yes, she likes going to the mountains. Does John have a dog? No, he doesn't. अब first करें, मैं आपसे सवाल करता हूं, Do you get up early in the morning? आप इसका क्या जवाब देंगे? एक जवाब तो ये है, yes I get up early in the morning। अब ये एक लॉन्ग आंसर है, लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपसे कहता हूं डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप कहेंगे yes I do, और अगर आपका जवाब ना में है तो आप बोलेंगे no I don't। So yes I do, no I don't। Does Mike often play tennis? क्या माइक अक्सर टेनिस खेलता है? Do you know what the present simple is? क्या आप जानते हैं प्रेजेंट सिंपल क्या है? मेरा ख्याल है कि अब तो आपको जान जाना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल क्या है। इज चाइना इन यूरोप? क्या चाइना यूरोप में है? ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हम नेगेटिव में यूज करते हैं, वो क्या है? डू नॉट, डज नॉट। और अगर आपको याद हो कंट्रैक्शन सेक्शन में मैंने आपको बताया कि डू नॉट और डज नॉट की कंट्रैक्शंस क्या हैं? दे आर डोंट एंड डजंट। सो ही डजंट गो टू द सिनेमा एट ऑल, वो हरगिज़ सिनेमा नहीं जाता है। आई डोंट लाइक विंटर, मुझे सर्दियों का मौसम अच्छा नहीं लगता है। दे डोंट लिव इन न्यूयॉर्क एनीमोर, वो मजीद न्यूयॉर्क में नहीं रहते हैं। Alright, now we see we've got some words which are called adverbs of frequency। यानी ये words जो हैं, ये हमें frequency बताते हैं जो action हो रहा है उसकी। Always, always कहते हैं हमेशा को। I always speak the truth, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। Never, कभी नहीं। He never tells a lie, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। Frequently या often, frequently या often, इसे हम often भी pronounce करते हैं, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। Often भी दुरुस्त है और ऑफ्टन भी दुरुस्त है। फ्रीक्वेंटली और ऑफ्टन, इसका मतलब है अक्सर। आई फ्रीक्वेंटली विजिट माई रिलेटिव्स, मैं अक्सर अपने रिलेटिव्स को मिलता हूं। यूजुअली, आमतौर पे। यूजुअली ऑन संडे आई डोंट डू एनीथिंग, आमतौर पे इतवार को मैं कुछ नहीं करता हूं। यूजुअली ही कम्स लेट, आमतौर पे वो देर से आता है। सेल्डम या रेयरली, सेल्डम या रेयरली हम इस्तेमाल करते हैं, मैं कहना हूं कभी कभार। आप लोगों को शायद इल्म हो, हम एक वर्ड यूज करते हैं शाज़ोनादे। He seldom comes, और एक वो बहुत मशहूर हमारे पास प्रोवर्ब भी है, barking dogs seldom bite, कि वो जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप ट्राई करें कि जो भौंकता है वो काटेगा नहीं। सो seldom एंड rarely, इसको हम इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। Nowadays, अब देखिए हम लोग लिखते हैं नाउ आ डेज, जो कि गलत है। या तो इसके दरमियान में हाइफन आएगा या आप इसे इकट्ठा लिखेंगे, जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पे है। नाउ अ डेज, आजकल। एवरी वीक, एवरी ईयर। एवरी वीक ही मीट्स मी। एवरी ईयर माई अंकल गोज टू यूके, हर साल मेरे अंकल यूके जाते हैं। समटाइम्स ओकेजनली, समटाइम्स कभी कभार, ओकेजनली आमतौर पे, जैसे कहते हैं ना मौके पे। सो समटाइम्स आई वेयर जीन्स, कभी कभार मैं जीन्स पहनता हूं। समटाइम्स I go to market, कभी कभार मैं मार्केट जाता हूं। I occasionally go to the market, मैं आमतौर पे या कभी कभार मार्केट जाता हूं। From time to time, गाहे बगाहे, वक्तन फवक्तन। अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो आप जानते होंगे वक्तन फवक्तन हम किसे कहते हैं।